to my all future doctors. I hope all of you will be in good status of health and study. कुछ बच्चे ने हमें क्वेश्चन पूछा था कि सर ये कॉम्बिनेशन पिल का कॉन्सेप्ट क्या है. वैसे तो मैंने आपको पिछले सेशन में फुल कॉन्सेप्ट दिया था, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी आपके भूख को देख करके मुझे यूं लगा कि मुझे वो स्टूडेंट्स मिल गए जो मैं चाहता था. इतना डीप आप ढूंढने लगे, मुझे बहुत खुशी हुई. एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ क्वेश्चन लाइक दिस. आज हम लोग एक अलग ही वीडियो बना देंगे कॉम्बिनेशन पिल का. तो आज मैं आपको समझाता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट. आप याद करें, जब हम लोग पिछले सेशन में हम देख रहे थे मेथड्स, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. हमने तीन मेथड डिवाइड किया था. एक सबसे पहला आपका जो था वो टेम्पररी मेथड था, दूसरा आपका जो परमानेंट मेथड, और सबसे थर्ड एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो जो हमारा टेम्पररी मेथड था उसमें सारे वेज देखे आपने. उसमें एक था फिजियोलॉजिक या ओरल डिवाइस या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. नहीं, आपने कहा था ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. समझिएगा, बहुत ही इजी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. व्हाई पिल्स? व्हाई पिल्स? बिकॉज दीज आर इन टैबलेट फॉर्म, है ना, ये टैबलेट के फॉर्म में है. और चूंकि ये जो टैबलेट है बेटा, टैबलेट जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे ना तो आपको दो तरीके से इसको दिखाया जाएगा, लिया जाता है. एक आपको एब्रिविएशन लिखाया जाएगा PO और एक PR. इसका मतलब होता है पर ओरल यानी बाय माउथ, और इसका मतलब होता है पर रेक्टम यानी बाय रेक्टम. ओके, सो अब मेडिसिन स्पेशलिस्ट से पढ़ रहे हैं आप तो इतना फायदा तो बनता है आपको. अच्छा, इसमें बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहला मिनी पिल्स था जिसमें हमने सहेली का एग्जांपल लिया था, और वो नॉन स्टेरॉयडल पिल है, उसमें स्टेरॉयड नहीं है. स्टेरॉयड आपको मैं बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूँ कि यह एक फैट डेरिवेटिव है जो कॉमनली इन्फ्लेमेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है. तो एक मिनी पिल था, दूसरा कॉम्बिनेशन पिल था, तीसरा इमरजेंसी पिल था. तो जो फर्स्ट और लास्ट था वो छोटा था, वो आप समझ गए. जो कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल था, जो कॉम्बिनेशन पिल था बेटे जी, इसमें हमने एग्जांपल लिया था मालाडी का, है ना. क्यों कहा जाता है इसको कॉम्बिनेशन पिल? इसलिए कहा जाता है बेटे कि इस टैबलेट में मैं आपको बता दूं कि इसके एक स्ट्रिप में 21 प्लस 7 टैबलेट्स होते हैं. मतलब टोटल कितने हो गए? 28 होते हैं. मैं क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि 21 जो होते हैं वो हार्मोनल पिल होते हैं यानी हार्मोनल टैबलेट होते हैं, और 7 जो होता है वो आयरन टैबलेट होता है. ठीक है, इसीलिए डिफरेंट बुक में आपको 21 की चर्चा किया जाएगा, लेकिन 7 की चर्चा नॉर्मली बुक नहीं करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, है ना. यानी एक स्ट्रिप जब कोई इंडिविजुअल लेती हैं मालाडी का या कॉम्बिनेशन पिल का, तो उनको कितने मिलेंगे एक स्ट्रिप? अरे पत्ता नहीं बोलते हैं, जैसे कि लगता है क्लोरोफिल आ गया, स्ट्रिप बोलते हैं. तो एक स्ट्रिप में टोटल 28 पिल्स होते हैं. ओके, अच्छा, जो 21 पिल होते हैं बेटे, यह व्हाइट कलर का होता है, और जो 7 पिल्स होते हैं ये ब्लैक कलर का होता है, आयरन पिल्स होते हैं. ओके, अच्छा, अब कॉम्बिनेशन पिल नाम क्यों पड़ा समझिए. इसमें दो चीज मिला हुआ होता है, क्या क्या? एक लिवोनॉर्जेस्ट्रल, ये 0.15 मिलीग्राम होता है इसमें, ये पहला ड्रग हो गया. और दूसरा ड्रग जो इसमें कंबाइंड होता है वो है इथिनाइल एस्ट्राडियोल.
पढ़ा चुका हूँ एस्ट्राडायोल, और ये होता है 0.03 मिलीग्राम, है ना। ये दोनों कॉम्बाइंड होते हैं, ये दोनों, इसीलिए नाम पड़ गया क्या, कॉम्बिनेशन पिल। एग्जाम्पल हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो प्रेगनेंसी को रोकता है, हमने मालाडी का एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, आप कहेंगे सर पिछले दिन तो आप बताए थे कि यह जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोजिस्टिरॉन प्रोजिस्टिरॉन प्लस एस्ट्रोजन का होता है, हाँ, तो आपका नाक भौंसिक उड़ जाएगा। सर आप तो पिछले दिन कुछ और बताए थे, आज कुछ और। बौधा बौधी लेला लेली, वही तो है, देखो ना एस्ट्रोजन। आपको जब मैं ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था और हार्मोन्स पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि एस्ट्रोजन इज नॉट अ सिंगल हार्मोन, दिस इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, सेम लाइक एंड्रोजन, उसमें टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट था। तो एस्ट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, एस्ट्राडायोल है, देखो लिखा हुआ एस्ट्राडायोल। अच्छा अब समझिए बेटा, ये फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवो। अगर प्रीफिक्स में लीवो आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि स्टीरॉयड यूज किया गया है, लीवो मतलब ही स्टीरॉयड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन भी यहां आ जाता है कि क्या कॉम्बिनेशन पिल जो माला डी है या माला एन है, क्या वो एक स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है? ऑफकोर्स, जबकि जो सहेली पिल है वो नॉन स्टेरॉयडल है, और स्टेरॉयड के जगह पे वो क्या यूज किया है, सेंट क्रोमिन, आपको पिछले सेशन में भी बताया था, ये अलग चीज है ना, इसका डोज अलग है, इसका डोज अलग है। तो बेटा समझा आपने क्यों कॉम्बिनेशन पिल नाम दिया गया, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस स्टीरॉयड, लिवो मतलब स्टीरॉयड और जेस्टर मतलब यहाँ प्रोजेस्टिन, क्यों ऐसा नाम दिया गया, ब्रांड नेम है भाई, सिंथेटिकली बनाया गया है इसीलिए। तो अल्टीमेटली यही है, प्रोजेस्टेरॉन हुआ ये और ये एस्ट्रोजन हो गया। नाउ किस तरह वर्क करेगा ये, तो इट प्रिवेंट्स secretion of FSH follicular stimulating hormone and luteinizing hormone, कहाँ से, abdomen से मार देंगे, from pituitary gland। अच्छा अगर FSH को prevent कर दिया बेटा, तो क्या लगता है जो primary follicle था वो सेकेंडरी से टर्सरी से ग्राफियन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो जब ग्राफियन बनेगा ही नहीं और LHI ने जो ओव्यूलेशन करवाता है, तो क्या ओव्यूलेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा क्या? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी होगी क्या? बिल्कुल नहीं। समझ गए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में कॉम्बिनेशन पिल क्या है? हाँ, अच्छा अब लिया कैसे जाता है इसको? ये जो 21 टैबलेट्स हैं बेटा, ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट या मेंस्ट्रुअल साइकल जब स्टार्ट होता है, तो उसके 1-5 डेज के विदिन में किसी भी दिन स्टार्ट किया जा सकता है, मे बी सेकेंड डे, मे बी थर्ड डे, और इसको कंटिन्यू करना है विदाउट ब्रेक, कब तक, 21 डेज तक, मतलब जब तक ये हार्मोनल पिल यानी व्हाइट टैबलेट्स खत्म ना हो जाए। अच्छा फिर ब्रेक, आप कहेंगे सर ये ब्रेक क्यों, आप तो यहाँ 7 टैबलेट्स लिखे हैं। बेटा जी ब्रेक कहने के लिए इसलिए है कि ये 7 टैबलेट्स जो है ये हार्मोनल पिल नहीं है, ये आयरन टैबलेट्स है, कि उस फीमेल के बॉडी में जो आयरन का लेवल है वो बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एनीमिया हो जाएगा इसीलिए। तो ये जो है आपको बुक नहीं बताएगा या कई बुक बताएगा, बस मैं बता दिया आपको, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल आपको कॉम्बिनेशन पिल, है ना, तो इसको बेटा जी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है, चलिए, थैंक यू।